वेस्टर्न हिस्टोरियंस द्वारा ये बात एस्टेब्लिश कर दी गई थी कि भारत में किसी भी समय में कोई भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन कभी थी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च होते चला गया, सच्चाई दुनिया के सामने आती गई। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता थी, जहाँ के लोग एक सिस्टमैटिक टाउन की प्लानिंग करते थे, कई सारे मंजिलों के घर बनाकर उसमें रहा करते थे। उनके घरों में शानदार ड्रेनेज सिस्टम हुआ करती थी और यहाँ के लोग मेटलर्जी का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना भी जानते थे। और पूरे भारत में मौजूद कई सारी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी जगहों पर कई सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और आज के एपिसोड में हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नए राज खोल दिए थे। आपने मोहनजोदड़ो की फेमस डांसिंग गर्ल के बारे में तो सुना होगा, यहाँ के फेमस प्रिस्ट किंग का स्टैचू भी आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने दायमाबाद की मिस्ट्री मैन के बारे में सुना है? अब शायद आप में से बहुत सारे लोग दायमाबाद इस गांव का नाम भी पहली बार ही सुन रहे होंगे। दायमाबाद महाराष्ट्र का वो एक छोटा सा गांव है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक गांव बसता था और उसी गांव में मिला था ये स्टैचू। ये स्टैचू ब्रॉन्ज का है और ये मिला था इस गांव के एक स्थानिक को जब वो वहाँ पर एक गड्ढा खोद रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि स्टैचू में ऐसी कौन सी खास बात है। ये स्टैचू हमारे भारत की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट स्टैचू में से एक है, क्योंकि ये जिस दायमाबाद शहर में मिला था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी साइट है, जहाँ पर 2300 BCE के आसपास इंडस वैली सभ्यता से जुड़ा शहर बसा करता था। ये स्टैचू दिखाता है कि उस समय भारत में मेटलर्जी किस लेवल तक एडवांस हो चुकी थी। और यही स्टैचू उन लोगों के मुंह पर भी जोरदार तमाचा है जो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि उस समय भारत में पहियों का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। इस स्टैचू में हम एक आदमी को देख सकते हैं, यहाँ दो बैल देख सकते हैं और इंटरेस्टिंगली इस बैलगाड़ी पर एक कुत्ता भी बैठा है। दायमाबाद के इस स्टैचू के मिलने से पहले और सिनोली में इस रथ के मिलने से पहले सिर्फ मेसोपोटामिया, जॉर्जिया और ग्रीक सिविलाइजेशन में ही रथ के और पहियों के अवशेष मिले थे, जिससे यही एक बात एस्टेब्लिश हुई थी कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं के लोगों को रथ की और पहिए की जानकारी नहीं थी और ना ही महाभारत को भारत का इतिहास माना गया था, क्योंकि महाभारत में तो रथों के बारे में कई जगह पर जिक्र है। लेकिन सिनोली और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कई सारी जगहों पर ऐसे सबूत मिलने से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतवर्ष का इतिहास दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं से भी पुराना हो सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास बात क्या है? वहां की सिटीज, उनका यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। जी नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास बात यह है कि ये शायद दुनिया की ऐसी अकेली सभ्यता थी जिनके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं थी। ना पिछले 100 सालों में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े शहरों में कभी भी किसी औजार के सबूत मिले हो। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ दुनिया में और दो बड़ी सिविलाइजेशन मौजूद थी, मेसोपोटामिया और दूसरी इजिप्शियन सभ्यता। और इन दोनों सभ्यताओं में लड़ाई से और हथियारों से जुड़े कई सारे सबूत मिल चुके हैं। इनफैक्ट ये सभ्यताएं तो लड़ाई को और योद्धाओं को काफी सेलिब्रेट भी करती थी और इसी वजह से उन सभ्यताओं से जुड़े सबूतों में कई सारे युद्धों के प्रसंग और कई सारे हथियारों की कार्विंग हम देख सकते हैं। लेकिन समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता में शांति का माहौल था और यहाँ की खुदाई में एक भी ऐसी चीज या फिर पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला है जिस पर किसी लड़ाई को या फिर किसी हथियार को दिखाया गया हो, सिवाय इस अकेले सील को छोड़कर। मोहनजोदड़ो शहर में एक सील ऐसी मिली थी जिसमें दो आदमियों को पेड़ों को हाथ में पकड़कर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाया गया था। इस सील को नाम दिया गया था M478B। तो आप कहोगे कि ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बाकी के लोगों के जैसे ही थे जो लड़ते थे, लड़ाई को बड़े प्राउडली ग्लोरीफाई करते थे। लेकिन जरा रुकिए, इसी सील पर उन दो लड़ते हुए लोगों के बीच एक औरत को दिखाया गया है जो उन दो लोगों को लड़ने से रोक रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंसा को नहीं बल्कि अहिंसा को ग्लोरीफाई करते थे, अहिंसा पर ही विश्वास करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के इतने सारे शहरों में से किसी एक शहर में अगर ऐसी कोई सील मिली हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ के लोग सच में शांति प्रिय ही थे, लड़ाई नहीं करते थे। अगर ऐसा है तो बाकी के शहर में भी ऐसी कई सारी सील्स मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, मिल चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक और शहर कालीबंगा में भी एक सील मिली थी जिस पर सेम ऐसा ही डिपिक्शन दिखाया गया है।
इस सील को हिस्टोरियंस ने K-65 ऐसा नाम दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली वाली सील पर दो आदमियों को पेड़ों को हाथ में पकड़कर लड़ते हुए दिखाया गया था और इस सील पर उन्हीं दो आदमियों को हाथ में भाला पकड़कर लड़ते हुए दिखाया गया है और उन दो आदमियों के बीच फिर से एक औरत दिखाई गई है जो उन दोनों को लड़ने से रोक रही है। इन दोनों सील्स में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था और शायद ऐसी और कई सैकड़ों या फिर हजारों की संख्या में ऐसी सील्स जमीन में दफन हो सकती है, जो ये बात साबित करने के लिए काफी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वाकई में पूरी दुनिया की बाकी की सारी सभ्यताओं के लोगों से अलग थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता होगी तो ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले एक सभ्यता भारत में ही मौजूद थी जो शायद दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो सकती है। इस सभ्यता के अवशेष फतेहाबाद जिले के कुनाल गांव में मिले थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर उत्खनन करने के बाद ये दावा किया था कि इस सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो 6000 साल पुराने हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये भी होता है कि ये सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भी हो सकती है। अब जब भी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का जिक्र होता है तो बात की जाती है उनके सिटीज की, उनके घरों के स्ट्रक्चर की। तो इस प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो घरों के अवशेष मिले हैं वो भी काफी खास है। उस समय के लोग अपने घर बनाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की तरह ईंटों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे और ना ही पत्थरों का। वो इस्तेमाल करते थे मिट्टी से बनी ईंटों का। एक और बात कि वो जमीन के ऊपर अपने घर नहीं बनाते थे, वो अपना घर बनाते थे जमीन के नीचे। ये लोग पहले जमीन में एक गोलाकार गड्ढा बनाते थे और फिर उसे मजबूत करने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी से बनी ईंटों की दीवार बनाते थे। खोजकर्ताओं को एक और बात पता चली है कि इस सभ्यता के लोग खाने के बड़े शौकीन थे। यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के लोग रहा करते थे क्योंकि यहाँ पर धान के अवशेष भी मिले हैं और कई सारे छोटे जानवरों की हड्डियां भी मिली है। अब जानवरों की हड्डियां मिली है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी मौत नेचुरल कॉज से हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो हड्डियां मिली है वो पूरी तरह से जली हुई मिली है, जिसे खोजकर्ताओं ने ये एक अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता के लोग जानवरों का कच्चा मांस नहीं खाते थे बल्कि खाने से पहले वो उसे पूरी तरह से रोस्ट करते थे। यहाँ कई सारे तीर और भालों के अवशेष भी मिले हैं जिससे इस बात की भी पुष्टि हो गई कि इस सभ्यता के लोग जानवर का शिकार करते थे। अब इस पूरी बात पर आपकी क्या राय है मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।